नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC मेकर पर। दोस्तों, हमने रीट के लिए हिंदी स्टार्ट कर रखी है और उसके दो वीडियो अपलोड हो गए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने शब्द ज्ञान के अंदर तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों की चर्चा की थी, और जो उसका सेकंड पार्ट था उसमें हमने देशज शब्द और विदेशी शब्दों के बारे में चर्चा की थी। और वो हमारा जो शब्द ज्ञान का टॉपिक है वो दो पार्टों में कंप्लीट हो गया है। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, और ये जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, और लगभग देखो इसमें कुछ से क्वेश्चन आए वो रीट में भी आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने से हमें अपना ना खुद का मूल्यांकन हो जाएगा कि हमें वो जो टॉपिक है वो कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया है। तो देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, संस्कृत के वे शब्द देखो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन दोस्तों रीट लेवल फर्स्ट में 2011 में आया हुआ है। कौन सी में 2011 के अंदर। देखो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, संस्कृत के तद्भव, तत्सम और देशज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने आपको जो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पढ़ाया था तो उसमें जो डेफिनेशन थी वो सेम टू सेम यही थी कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। आगे है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, समश्रु शब्द का तद्भव है। समश्रु शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? आंसू होगा या अश्रु होगा, मूछें होंगी या शुश्रूषा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूछें। तो ये दोस्तों देखो क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट 2011 में, ये भी कौन सी में आया है? 2011 में आया हुआ है लेवल फर्स्ट में। आगे देखो क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? देखो शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ट, घृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ट, किताब, रानी, चाकू, निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, आप ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ आपकी इसके आंसर है जो मन में सोच लिया करो, फिर देख लेना कि आपकी लास्ट में देखो। देखो दोस्तों ये जो 18-20 क्वेश्चन है इनमें से आपको ये क्वेश्चन बताने, मतलब सही आपके जो सही क्वेश्चन हुए वो कितने हुए हैं और गलत कितने हुए वो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, आगे है देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोचो दोस्तों क्या होगा इसके, आपके हिसाब से कौन सा होगा? उज्ज्वल। कौन सा हो जाएगा? उज्ज्वल। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? देखो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करो, नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार गलत होते हैं, मेरे खुद के भी गलत हो गए कई बार। ये इनको आते सही हैं लेकिन इनको पढ़ने के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द नहीं है, कृपा, उजाला, गणना, कार्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उजाला। क्या हो जाएगा? उजाला। ठीक है, आगे है, तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा होगा तत्सम? क्या गाहक होगा, अर्क, घर या अचरज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्क, ऑप्शन नंबर टू। ये देखो क्वेश्चन नंबर, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है?
तत्सम नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कौन सा होगा, तद्भव हो जाएगा। जैसे इसमें कौन सा होगा, कतरन होगा, अज्ञान होगा, सर्प होगा, प्रहर होगा, प्रहर तत्सम, सर्प तत्सम, अज्ञान तत्सम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतरन। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द कौन सा होगा। देखो, आलस तद्भव, आम देखो आलस का तत्सम क्या हो जाएगा, ये तो तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आलस्य। आम का हो जाएगा आम्र। जो अगस्त है, अगस्त कौन सा है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो तत्सम कौन सा हो जाएगा, अवतार, कौन सा हो जाएगा, अवतार। आगे है, जिन शब्दों का स्रोत विदित न हो उन्हें क्या कहा जाता है, जिन शब्दों का स्रोत विदित न हो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है देशज। जब मैंने आपको देशज शब्द पढ़ाया था तो मैं जो बातें बताई थी कि जो देशज शब्द होते हैं वो मनगढ़ंत होते हैं, क्षेत्र विशेष के आधार पर बोले जाते हैं, उनमें कोई व्याकरणिक, जो व्याकरणिक होते हैं व्याकरण का नियम उसमें नहीं लागू होता है, तो वो शब्द कौन से होते हैं, देशज। ठीक है, जिन शब्दों का स्रोत विदित नहीं होता है कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, आगे है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, क्या अंकुर होगा, पाषाण होगा, उच्च होगा, ईर्ष्या होगा। सोचो दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईर्ष्या, क्या हो जाएगा, ईर्ष्या। आगे देखो, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, दूध होगा, जल होगा, अग्नि होगा, पावन होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध, क्योंकि दूध का तत्सम क्या होता है, दुग्ध, दूध क्या है, तद्भव शब्द, और तद्भव शब्द का चयन क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। आगे है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम शब्द इसमें क्या जाएगा, क्या चंद्रमा होगा, सूरज होगा, नदी होगा, कन्हैया होगा, इसका राइट आंसर होगा नदी, कौन सा हो जाएगा, नदी। आगे क्वेश्चन, कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है, हिमगिरी, हिरण, हरित, हरिद्रा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण, क्या हो जाएगा, हिरण। आगे है, गोधूम का तद्भव रूप है, गोधूम का तद्भव रूप है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोधूम का गेहूं हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, गेहूं। आगे है, आंवला का तत्सम रूप है, आंवला का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, आम्र, आम्लक, अम या फिर एमोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा आम्लक, क्या हो जाएगा, आम्लक। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, दूमर, भूख, आखर, क्षमा, क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम का, क्षमा। ठीक है, तत्सम शब्द जैसे उसमें लास्ट में या तो छ आता है, या क्षय आता है, या फिर ये षटकोण वाला स आता है, तो ऐसे शब्द कौन से होते हैं, तत्सम होते हैं। आगे है, कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीरज होगा, सरोज होगा, सूरज होगा, उरोज होगा, कौन सा शब्द तद्भव है, इसका राइट आंसर होगा सूरज, क्या होगा, सूरज। कार्य शब्द का तत्सम शब्द है, कार्य शब्द का अर्ध तत्सम क्या पूछा है, देखो दोस्तों, अर्ध तत्सम पूछा है इसमें, तो अर्ध तत्सम का मतलब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कारज, क्या हो जाएगा, कारज। आगे देखो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है, देखो खिड़की है, देशज है, पाग है, देशज है, रिंगड़ा है, देशज है, बूट है, जो बूट है ये देशज नहीं है। ठीक है,
बोर्ड कौन सा है? देशज शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। तो ठीक है दोस्तों, ये आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, लगभग 18-20 के लगभग क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में लिखे ज़रूर बताना कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। ये लगभग शायद मेरे हिसाब से 19 क्वेश्चन हैं, 18, 19 या 20 हैं। अगर इनमें से आपके अगर 15 से ऊपर क्वेश्चन सही होते हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है दोस्तों, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारा जो शब्द ज्ञान वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में आपका दे रखा है पर्यायवाची शब्द, तो आगे का टॉपिक हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।